हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल फिल्म्स एक्सप्लेनर। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक सच्ची भूतिया घटना पर बनी वेरी हॉरर मूवी को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द एमिटविल हॉरर। मूवी की शुरुआत 13 नवंबर 1974 से होती है जहां हम एमिटविल हाउस को देखते हैं, जहां एक रोनाल्ड डेफ्यू नाम का एक आदमी अपनी फैमिली के सभी मेंबर्स को रात के 3:15 पर गन से शूट करके मार देता है। और गन की आवाज़ सुनकर एक छोटी लड़की जिसका नाम जोडी होता है वो अपनी अलमारी में छुप जाती है, लेकिन रोनाल्ड डेफ्यू जोडी को भी ढूंढकर उसे भी मार देता है। और फिर जब पुलिस उसे पकड़ती है तो वो बताता है कि उसे घर के अंदर से भूतिया आवाज़ें सुनाई देती थी जो कि उससे कहती थी कि उन सभी को मार दो। अब यहाँ से कहानी एक साल आगे जाती है जहाँ हम कैथी लुड्स और उसकी फैमिली को देखते हैं, जिसके दो बेटे बिली और माइकल और उसकी बेटी चेल्सी होते हैं। ये कैथी के पहले हस्बैंड के बच्चे होते हैं जिसकी डेथ हो चुकी होती है, और अब कैथी अपने दूसरे हस्बैंड जॉर्ज के साथ रहती है। यहाँ जॉर्ज और कैथी अपने लिए एक नया घर देखने जाते हैं और वो उसी एमिटविल हाउस तक पहुँच जाते हैं। यहाँ इस घर की डीलर उन्हें घर दिखाती है जो कि कैथी और जॉर्ज को काफी पसंद आता है, और ये उन्हें काफी कम पैसों में भी मिल रहा होता है, इसलिए ये दोनों इस घर को खरीदने का फैसला करते हैं। लेकिन बाद में डीलर उन्हें इस घर में हुए मर्डर के बारे में बताती है, जिस पर जॉर्ज कहता है कि घर किसी को नहीं मारते बल्कि लोगों को मारते हैं। और इसके बाद जॉर्ज और कैथी इस घर को खरीद लेते हैं, और फिर इनका पहला दिन इस घर में काफी अच्छा बीतता है। लेकिन रात में बिल्ली अपने रियल डैड को याद कर रहा होता है क्योंकि वो जॉर्ज को अपने डैड के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। तब कैथी उसे समझाती है कि जॉर्ज तुम्हारे डैड को रिप्लेस नहीं कर रहा है बल्कि वो बस तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता है। अब ये सारी बातें जॉर्ज भी बाहर खड़ा होकर सुन रहा होता है। फिर इसके बाद जॉर्ज को यहाँ थोड़ी ठंड महसूस होती है, इसलिए वो घर के बेसमेंट में हीटर चलाने जाता है, और यहाँ उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन जॉर्ज इन्हें इग्नोर कर देता है। फिर जब रात में जॉर्ज अपने रूम में होता है तो उसे यहाँ एक बच्ची की आत्मा दिखती है, लेकिन अगले ही पल वो यहाँ से गायब हो जाती है, और जॉर्ज को लगने लगता है कि उसका वहम होगा। फिर अगले दिन कैथी देखती है कि चेल्सी अपने रूम में किसी से बातें कर रही है, इसलिए कैथी चेल्सी के रूम में जाती है, लेकिन यहाँ चेल्सी अकेली होती है। मगर यहाँ हम जोडी की आत्मा को देखते हैं जो कि चेयर पर बैठी होती है, मगर कैथी को वो नहीं दिखती। फिर कैथी चेल्सी से पूछती है कि वो किससे बातें कर रही थी, जिस पर चेल्सी उसे बताती है कि वो जोडी से बातें कर रही थी और जोडी उसकी अलमारी में रहती है। यहाँ कैथी पूछती है कि जोडी कौन है, लेकिन जोडी की आत्मा चेल्सी को ये बताने से मना कर देती है, और चेल्सी कैथी को कुछ नहीं बताती। फिर इसके थोड़ी देर बाद इन्हें चेल्सी कहीं नहीं मिलती, और इनका डॉग बोट हाउस के पास भौंक रहा होता है, इसलिए ये चेल्सी को ढूंढते हुए बोट हाउस के पास जाते हैं, जहां चेल्सी बोट पर खड़ी होती है और नीचे कूदने ही वाली होती है, लेकिन यहां जॉर्ज और कैथी उसे बाहर ले आते हैं, और चेल्सी बताती है कि वो जोडी के पीछे वहां गई थी। यहां अब जॉर्ज बोट हाउस को लॉक कर देता है। फिर जब रात में माइकल वॉशरूम में होता है तो यहां हम उसके पास एक घोस्ट को देखते हैं, और साथ ही वाटर टैप में से पानी की जगह खून निकल रहा होता है, और ये देखकर माइकल काफी डर जाता है और तुरंत अपने रूम में आकर लेट जाता है। इसके बाद पूरे घर की विंडो अपने आप ही ओपन हो जाती हैं और चेयर्स अपने आप ही मूव करने लगती हैं, और एक जोर की आवाज से जॉर्ज की आंख खुल जाती है। फिर जॉर्ज बिली और माइकल को उनके रूम में देखने जाता है, जहां वो देखता है कि उसने बिली और माइकल को गन से शूट कर दिया है, और फिर वो खुद को भी गन से शूट कर लेता है। लेकिन तभी जॉर्ज नींद से जाग जाता है और उसे पता चलता है कि ये उसका सपना था। अब यहां टाइम रात के 3:15 हो रहे होते हैं। फिर जॉर्ज रूम से बाहर देखता है तो उसे बोट हाउस का दरवाजा खुला दिखता है जिसे उसने लॉक किया था, और उसमें से चेल्सी का बलून बाहर निकलता है, और जॉर्ज को लगने लगता है कि चेल्सी दोबारा बोट हाउस में गई है, इसलिए जॉर्ज तुरंत बोट हाउस में जाता है जहां उनका डॉग भौंक रहा होता है, मगर यहां चेल्सी नहीं होती। फिर जॉर्ज अपने डॉग को बांधने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन अब वो डॉग जॉर्ज से डर रहा होता है। फिर यहां जॉर्ज चेल्सी के रूम में उसी लड़की जोडी की आत्मा को चेल्सी के पीछे खड़ा देखता है, इसलिए वो भागता हुआ चेल्सी के रूम में जाता है, लेकिन वहां चेल्सी सो रही होती है। फिर जॉर्ज चेल्सी की अलमारी में चेक करता है तो वहां एक घोस्ट ने जोडी की आत्मा को पकड़ा होता है, और जॉर्ज उसे नहीं देख पाता। अब यहां जॉर्ज को एक टेडी मिलता है जिसे वो चेल्सी के पास रख देता है। फिर इसके बाद वो बेसमेंट में जाता है जहां उनका डॉग एक वॉल के नीचे खोद रहा होता है। फिर जॉर्ज उस जगह को देखता है और उसे लगता है कि इस दीवार के पीछे कुछ तो है। अब तभी यहाँ कैथी भी आ जाती है। फिर जॉर्ज उसे बताता है कि वो बिली के डॉग की वजह से सो नहीं पा रहा है, और बिली का डॉग उसे बोट हाउस में मिला था, जिस पर कैथी कहती है कि बोट हाउस को तो तुमने लॉक कर दिया था। जिसके बाद जॉर्ज कैथी को बोट हाउस की कीज दिखाता है और कहता है कि ये उसे बिली के रूम में मिली, और जॉर्ज को लग रहा होता है कि बिली ने जानबूझकर ये किया है। अब यहाँ जॉर्ज कैथी के साथ काफी अजीब बिहेव करता है। फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहां जॉर्ज बिली के साथ लकड़ियां लेने गया होता है, और वो बिली से उन कीज के बारे में पूछता है और कहता है कि अपनी गलती मान लो, मगर बिली कहता है कि उसने ये सब नहीं किया था। जिसके बाद अब जॉर्ज बिली से सारी लकड़ियां अकेले ही उठाने के लिए कहता है, और कैथी भी ये सब देख रही होती है, और उसे ये काफी अजीब लगता है क्योंकि इससे पहले जॉर्ज कभी भी बच्चों के साथ ऐसा बिहेव नहीं करता था। अब तभी कैथी के पीछे से एक साया निकलता है, और कैथी देखती है कि फ्रीजर पर मैग्नेट से लिखा है कैच देम एंड किल देम, जिसका मतलब है उन्हें पकड़ो और मार दो। अभी देखकर कैथी जॉर्ज के पास जाती है, लेकिन जब वो वापस आकर देखते हैं तो फ्रीज पर मैग्नेट से अब वो नहीं लिखा था। जिसके बाद कैथी को लगने लगता है कि ये सब बस उसका वहम होगा। फिर रात में जॉर्ज और कैथी डेट पर जाते हैं, और बच्चों की देखभाल के लिए वो एक बेबीसिटर को बुलाते हैं जिसका नाम लीजा होता है। लीजा उन्हें बताती है कि वो पहले भी इस घर के पुराने ओनर डिफोज के लिए काम कर चुकी है। डिफोज वही फैमिली थी जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था।
अब इसके बाद जॉर्ज और कैथी डेट पर चले जाते हैं। फिर लीजा बिली से बात करती है, जहां वो बिली को इस घर में रहने वाली पुरानी फैमिली डिफोस के बारे में बताती है और कहती है कि यहां रहने वाले बर्नार्ड डेफी जूनियर ने एक रात अपनी फैमिली के सभी मेंबर्स को मार दिया। वो बताती है कि सबसे पहले उसने अपने डॉग को मारा था और कुछ दिनों बाद उसे लगने लगा कि उसकी पूरी फैमिली डेमन है, इसलिए उसने सबको मार दिया। अब इसके बाद वो सभी उस रूम में जाते हैं जहाँ जोडी रहती थी। अब तभी यहाँ चेल्सी आती है और कहती है कि जोडी कह रही है कि तुम एक अच्छी बेबी सिटर नहीं हो, लेकिन लीजा कहती है कि जोडी तो मर चुकी है, मगर चेल्सी कहती है कि वो अब भी जिंदा है। लीजा बताती है कि पुलिस को उसकी डेड बॉडी इस अलमारी में मिली थी, जिसके बाद बिली उसे अलमारी के अंदर जाने का डेयर देता है और लीजा अलमारी के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसी दौरान चेल्सी कहती है कि तुम जोडी को गुस्सा दिला रही हो। अब लीजा जब अलमारी के अंदर जाती है तो अचानक से उसका दरवाजा खुद ही बंद हो जाता है और वो किसी से भी नहीं खुलता, जिसके बाद लीजा के सामने जोडी की आत्मा आती है जो कि उसकी फिंगर को अपने जख्म के अंदर डाल देती है। और फिर लीजा को यहाँ वही जोडी दिखती है जिसे रोनाल्ड डेफी ने यहाँ गन से शूट करके मारा था, जिससे लीजा अब काफी डर जाती है। बिली तुरंत ही पुलिस को कॉल करता है, जिसके बाद यहाँ पुलिस एम्बुलेंस के साथ जॉर्ज और कैथी भी आ जाते हैं, जहाँ लीजा अब काफी शॉक में होती है और वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन बाद में जॉर्ज बिली और माइकल को काफी डांटता है, उसे लग रहा होता है कि बिली और माइकल ने मिलकर कोई शरारत की है जिससे लीजा को चोट पहुंची है। लेकिन अगेन कैथी को जॉर्ज का बिहेव काफी अजीब लगने लगता है। अब इसके बाद कैथी चेल्सी के रूम में जाती है और पूछती है कि क्या हुआ था, जिस पर चेल्सी बताती है कि लीजा ने जोडी को गुस्सा दिलाया था, इसलिए जोडी ने उसके साथ ये सब किया। फिर चेल्सी कहती है कि डरो मत, वो आपको कभी भी चोट नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि उसे लगता है कि आप एक अच्छी मॉम हो। लेकिन चेल्सी बताती है कि जोडी जॉर्ज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अब अगले दिन जॉर्ज काफी गुस्से में होता है और वो अपनी सारी लकड़ियां काटकर बिली को अकेले ही रखने के लिए कहता है, जिसे बिल्ली के अकेले रखते रखते रात हो जाती है। फिर रात में जब जॉर्ज बेसमेंट में होता है तो उसे उसी दीवार के पीछे से कुछ भूतिया आवाजें सुनाई देती हैं, जो कि उससे कह रही होती हैं कि उन्हें मार दो। और अगले ही पल जॉर्ज उस दीवार के दूसरी तरफ पहुंच जाता है, जहां वो अपने आप को ही देखता है जो कि खून से लथपथ होता है, और वो जॉर्ज से कहता है कि उन सबको मार दो। अब तभी जॉर्ज अपने होश में आ जाता है। फिर इसके बाद जब जॉर्ज बाथटब में होता है तो उसे कोई अंदर खींचने लगता है, मगर तभी यहाँ कैथी आकर उसे बचा लेती है। फिर इसके अगले दिन कैथी जॉर्ज को एक डॉक्टर के पास ले जाती है और फिर जब वो दोनों वहाँ से वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि चेल्सी रूफ पर चढ़ी है और वो वहाँ से नीचे कूदने वाली है। ये देखकर जॉर्ज और कैथी उसे बचाने के लिए ऊपर जाते हैं। कैथी उसे बचाने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन चेल्सी कहती है कि उसे जोडी के साथ जाना है, और ये कहकर चेल्सी नीचे कूद जाती है, मगर तभी बीच में जॉर्ज उसे पकड़ लेता है, जिससे चेल्सी की जान बच जाती है। फिर इसके बाद कैथी चेल्सी से पूछती है कि वो ऊपर क्यों गई थी, और चेल्सी कहती है कि जोडी उसे उसके रियल डैड से मिलवाने वाली थी, इसलिए वो जोडी के पीछे गई थी। अब यहाँ कैथी उसे समझाती है कि वो अपने रियल डैड से कभी भी नहीं मिल सकती। वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज भी ये सब सुन रहा होता है और अब जॉर्ज को कैथी और बाकी सब पागल लगने लगते हैं, इसलिए अब वो अपने रूम को छोड़कर बेसमेंट में रहने के लिए चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जब से जॉर्ज और कैथी इस घर में रहने आए हैं तब से जॉर्ज पहले से काफी अलग बिहेव करने लगा है, इसलिए अब कैथी चर्च के फादर कैलिवे के पास जाती है और उन्हें बताती है कि वो डिफोस फैमिली के घर में रह रहे हैं और उनके साथ काफी अजीब चीजें हो रही हैं। कैथी फादर से कहती है कि उसे लगता है कि इस घर में जरूर कोई इविल है जो ये सब कर रहा है। अब वहीं दूसरी तरफ हम जॉर्ज को देखते हैं, जो कि अब पूरी तरह से बदल चुका होता है और वो लकड़ियां काटते वक्त बिली को उसे पकड़ने के लिए कहता है और एक्स से लकड़ी को काटता है, जिससे बिली को काफी खतरा होता है, लेकिन जॉर्ज उसे बार बार ऐसा ही करने के लिए कहता है। फिर रात में जॉर्ज अपनी फैमिली की वीडियो देख रहा होता है और उसे बिली की शक्ल एक घोष्ट के रूप में दिखती है। अब इसके बाद रात के 3:15 पर जॉर्ज को फिर से वही भूतिया आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जो कि उससे कहती हैं कि उन्हें पकड़ो और मार दो। जिसके बाद अब जॉर्ज घर से बाहर जाता है, जहां उनका डॉग भौंक रहा होता है, और जॉर्ज एक्स लेकर बोट हाउस में जाता है और उसे वहां एक घोष्ट दिखता है और जॉर्ज उसे एक्स से मारने लगता है। लेकिन फिर वो देखता है कि जिसे वो घोष्ट समझ रहा था वो उनका डॉग था और अब वो मर गया है। अब इसके बाद जॉर्ज उस जगह को साफ कर देता है, लेकिन फिर अगले दिन जॉर्ज का बिहेव पूरी तरह से बदल जाता है और जब कैथी उससे कहती है कि हमें इस घर को छोड़ देना चाहिए तो जॉर्ज जाने से बिल्कुल मना कर देता है और इस वजह से कैथी और जॉर्ज के बीच झगड़ा भी हो जाता है। तभी यहाँ बिली और माइकल आते हैं और कहते हैं कि उनका डॉग नहीं मिल रहा है। यहाँ अब बिली को शक हो जाता है कि जरूर जॉर्ज ने उनके डॉग के साथ कुछ किया है। अब इसके बाद यहाँ चर्च के फादर कैलिवे आते हैं, जहाँ वो चेल्सी के हाथ में एक टेडी देखते हैं और फिर बाद में वो कैथी को बताते हैं कि चेल्सी के पास जो टेडी है वो जॉर्डी का है और जॉर्डी को उस टेडी के साथ ही दफनाया गया था। अब ये जानकर कैथी काफी चौंक जाती है। फिर फादर इस घर पर होली वाटर डालकर यहाँ से इविल को भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी यहाँ फादर के ऊपर मक्खियों का झुंड हमला कर देता है और फादर समझ जाते हैं कि इस घर में रहने वाला इविल काफी पावरफुल है, इसलिए फादर तुरंत ही इस घर से निकल जाते हैं। फिर आधी रात में घर के सभी खिड़की दरवाजे खुद ही खुल जाते हैं और अब जॉर्ज को फिर से वही भूतिया आवाजें सुनाई देने लगती हैं और वो सबको मारने के लिए कहती हैं। साथ ही जॉर्ज को अब बोट हाउस में से उनके डॉग के भौंकने की आवाजें भी आ रही होती हैं, लेकिन उनका डॉग तो पहले ही मर चुका होता है। और अब जॉर्ज इन सब से इतना परेशान हो जाता है कि वो वहीं गिर जाता है और कैथी भी ये सब देख रही होती है। और फिर अगली सुबह कैथी तुरंत लाइब्रेरी जाती है, जहां वो एमिटेबल हाउस और डिफ्यूज फैमिली से जुड़े सारे आर्टिकल्स को पढ़ती है, जिससे उसे पता चलता है कि डिफ्यूज फैमिली के साथ भी इस घर में आने के बाद यही सब हो रहा था जो कि कैथी की फैमिली के साथ हो रहा है।
अब यहाँ कैथी इस घर की और पुरानी हिस्ट्री को पढ़ती है तो उसे कैचम के बारे में पता चलता है जिसने इस घर को बनवाया था और वो 17वीं सेंचुरी में अपने मिशन के दौरान इस घर में नेटिव अमेरिकन पर डेमोनिक रिचुअल्स करता था और उनकी बलि शैतान को चढ़ाता था और फिर बाद में उसने खुद की बलि शैतान को चढ़ा दी जिससे उसकी मौजूदगी हमेशा यहाँ बनी रहे। अब ये सब पढ़कर कैथी समझ जाती है कि कैचम की आत्मा ही इस घर में ये सब कर रही है और वही अब जॉर्ज को पजेस करके बाकी सबको मरवाना चाहती है, इसलिए अब कैथी तुरंत अपने घर वापस जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब जॉर्ज बेसमेंट में सुनाई देने वाली उन आवाजों से परेशान होकर उसी दीवार को तोड़ देता है और इसके पीछे काफी बड़ी जगह होती है। यहाँ जॉर्ज को उन्हीं नेटिव अमेरिकन की आत्माएं दिखती हैं जिन पर कैचम डेमोनिक रिचुअल्स करता था। फिर यहाँ जॉर्ज को कैचम भी दिखता है जो कि अपना गला काट लेता है और उसका खून जॉर्ज पर गिर जाता है जिससे अब जॉर्ज पजेस्ड हो जाता है। फिर जब कैथी यहाँ आती है तो वो जॉर्ज से कहती है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, लेकिन यहाँ कैथी पानी में गिर जाती है और जॉर्ज उसे मारने की कोशिश करता है मगर कैथी किसी तरह से बचकर घर के अंदर जाती है जहाँ कैथी और चेल्सी बेसमेंट में देखते हैं कि यहाँ जॉर्ज ने उन सभी के कॉफिन रखे हैं जिनमें जॉर्ज उन्हें मारने के बाद रखने वाला है। अब तभी जॉर्ज भी बेसमेंट में आ जाता है और वो चेल्सी को मारने ही वाला होता है, लेकिन कैथी किसी तरह उसे बचाकर बेसमेंट से बाहर ले आती है। लेकिन अब घर के सारे दरवाजे खिड़कियां खुद ही बंद हो जाते हैं और कैथी और बाकी सब यहाँ से बाहर नहीं निकल पाते। यहाँ अब जॉर्ज को एक गन मिल गई होती है जिससे वो सबको मारना चाहता था, लेकिन कैथी और बाकी सब इस घर की एक विंडो से रूफ पर चले जाते हैं और जब जॉर्ज उनके पीछे आता है तो बिली उसे रोड मारकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद ये सब भी घर के बाहर आ जाते हैं, लेकिन अब जॉर्ज एक्स लेकर इनके पास आता है और बिली को एक घोस्ट समझकर उसे मारने वाला होता है, मगर तभी यहाँ कैथी उस पर गन से हमला करती है जिससे जॉर्ज वहीं गिर जाता है। यहाँ जॉर्ज खुद भी अपने अंदर के इविल से फाइट कर रहा होता है क्योंकि वो भी किसी को नहीं मारना चाहता था। और यहाँ जॉर्ज एक विजन देखता है कि उसने कैथी को एक्स से मार दिया है, इसलिए वो कैथी से कहता है कि मुझे मार दो, लेकिन कैथी ऐसा नहीं करती और जॉर्ज को बेहोश करके उसे बांध देती है। यहाँ कैथी जानती थी कि जॉर्ज पॉजेस्ड है और इस घर से दूर जाने के बाद वो ठीक हो जाएगा, इसलिए अभी सब जॉर्ज को बोट में डालते हैं और इस घर से दूर चले जाते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद जॉर्ज को होश आता है और अब वो बिल्कुल ठीक हो गया होता है और कैथी से इस घर से दूर चलने के लिए कहता है। और यही एक रियल घटना होती है जो कि लुट्स फैमिली के साथ एमिटिविल हाउस में हुई थी, जिसके बाद लुट्स फैमिली यानी कैथी लुट्स और जॉर्ज इस घटना के बाद कभी भी दोबारा इस घर में वापस नहीं आए थे। अब मूवी के आखिर में हम जॉर्डी की आत्मा को देखते हैं जिसे कैचम की आत्मा जमीन के अंदर खींच लेती है, जिसके साथ ही ये पूरा घर फिर से पहले जैसा हो जाता है और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द एमिटिविल हॉरर की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।